أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم very warm welcome and thank you very much once again for sparing time for this very important session today we'll discuss the entrepreneurship for students although ये बहुत बड़ा टॉपिक है पूरा सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं चार महीने का 18 हफ्ते का कोर्स होता है आज हम एक घंटे में हम इसकी इम्पोर्टेंस और जो मेन फीचर्स हैं उसकी बात करेंगे और इसका जो इम्पैक्ट है ऑन सोसाइटी उसकी बात करेंगे इंडस्ट्री पे और इन जनरल इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्या पार्ट्स होते हैं उसकी बात करेंगे मौलाना रूमी का फरमान है द आर्ट ऑफ नोइंग इज नोइंग व्हाट टू इग्नोर ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आज के दौर में खास तौर पे जब हमें हर तरफ से बहुत सारी खबरें बहुत सारी न्यूज़ और व्हाट्सएप आपका भरा हुआ होता है तो आपके लिए लाजिम है कि आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना सीखें नॉलेज हासिल करने के लिए अपने आप को फोकस रखना बड़ा ज़रूरी है जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे तो इसकी इसकी इसको फोकस रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप में ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं कॉन्फिडेंस होना चाहिए वर्सटाइल होना चाहिए पैशनेट होना चाहिए वगैरह 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 पर्सपेक्टिव होना चाहिए इंटीग्रिटी होना चाहिए चैलेंज होने चाहिए ये एक स्लाइड है जिसके ऊपर बाय एंड लार्ज पूरी पूरी एंटरप्रेन्योरशिप को हम डिफाइन कर सकते हैं बट बिफोर एंटरिंग इन टू डिटेल्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप हम दो तीन बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं आप गूगल कीजिएगा आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे किताबें मिल जाएंगी आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे स्लाइडें मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे फिल्में मिल जाएंगी पूरी की पूरी लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई नहीं जा सकती जिस तरह एंटरप्रेन्योरशिप एक कैफियत का नाम है इसकी इम्पोर्टेंस को समझने की ज़रूरत है कि वाई वी नीड एंटरप्रेन्योरशिप तो इसकी हम पहले तो डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप इज Doing business with one innovative way, ठीक है कोई existing business भी हो सकता है जिसको आप किसी नए स्टाइल में करते हैं या आप कोई नया तरीका ढूंढते हैं ठीक है ना तो मैं कॉमन आम फहम जो दो एग्जाम्पल्स हैं उससे शुरू करता हूँ टैक्सी सर्विस पाकिस्तान में चल रही थी करीम और उबर ने इसको एक मॉडिफाइड शक्ल दे दी एक ऐप के ऊपर दिस इज इनोवेशन कोई भी इनोवेटिव तरीका जिससे आप किसी नीड को अनमेट नीड को एड्रेस करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हैं किसी चैलेंज को हल करते हैं दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप ठीक है ना वो डेफिनेशन के जी लोग अपने आप को संभाल लेंगे अपना कारोबार करना शुरू कर देंगे वगैरह वगैरह वो तो बहुत अच्छी बातें हैं थोड़ा सा आगे जाके हम उसको भी डिस्कस करते हैं मैं यूजुअली ये स्लाइडों से और किताबों से और जो उसकी डेफिनेशंस हैं उससे हट के बात करता हूँ लोग एक बिजनेस प्लान भी बनाते हैं मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके चार महीने के 18 हफ्ते के कोर्स में भी उसकी इम्पोर्टेंस होती है लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि बिजनेस प्लान से कोई बाय एंड लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप के स्टार्टअप्स चलते हुए देखे नहीं मैंने मैं बिल्कुल आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि पिछले 12 साल में हमने ऑलमोस्ट कोई 10,000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हमने 10,000 स्टूडेंट्स को किया है पढ़ाया है या इस प्रोसेस से गुजारा है उसमें से टोटल 650 बने हैं स्टार्टअप्स उन्होंने काम शुरू किया है जिसमें माशाल्लाह बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं जिसमें 100 से ज़्यादा लोग भी काम करते हैं 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और आप ये समझ लें कि एक स्टार्टअप है मैं आपसे शेयर कर देता हूँ उसकी डिटेल वो 5 मिलियन पर मंथ की सेल कर रहा है और उस सेल में 30% का प्रॉफिट है और प्रोडक्ट आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे वो प्रोडक्ट है फ्रूट और सब्जी इस्लामाबाद बेस्ड स्टार्टअप है सब्जी मंडी में उसके वाले साहब जो हैं एक बच्चा इस्लामिक यूनिवर्सिटी का आड़ती थे क्या बल्कि अभी भी हैं तीन नस्लों से उनका ये बिजनेस है वो बच्चा मेरे पास आया कहता सर मेरे वाले साहब मुझे बैंक में भर्ती कराना चाह रहे हैं और मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ
बेसिक नेगोशिएशन या डिस्कशन हमारी हुई, उसके बाद मैंने टेकअप किया उस चैलेंज को। मैं उनके अब्बा के दफ्तर गया जो कि सब्जी मंडी में 3 फ्लोर की, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, एक बेसमेंट भी है उसकी, प्लाजा है पूरा उनका, मतलब फिल्थी रिच पर्सन। मैं उनके पास गया तो मैंने कहा जी आप क्यों इसको इस काम में लगाना चाहते हैं जॉब में, जबकि आप खुद एक अच्छे बिजनेस में हैं। तो ये सेट के जी ये किस तरह का बिजनेस है, रात के 3 बजे 2:30 बजे आना पड़ता है, सारा दिन मिट्टी कटा होता है, यहाँ पे लोग होते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आप अगर समझते हैं कि बैंक में इसको भेज देंगे तो 30-35 हज़ार रुपये इसको स्टार्टिंग में जॉब मिलनी है, 1 साल तक ये ट्रेनी होगा, उसके बाद फिर अगर इसको पक्की जॉब मिल भी गई 50-60 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। और वो शुरू में इतने टारगेटेड काम होते हैं कि जी आपने इतने अकाउंट लेके आने हैं, इतने मिलियन का आपने पोर्टफोलियो लेके आना है, इतना आपने ये करना है, और वो बच्चा बेचारा उसी चक्कर में खप जाता है। और वो बच्चा हाफिज़ कुरान भी था, वो कहता था जी मैं सूद का काम जो है उसमें जाना नहीं चाहता। मुख्तसरन ये कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप 6 महीने के लिए बच्चा मुझे दे दें, 6 महीने के बाद आप चाहेंगे तो मैं इसको जिस बैंक में आप कहेंगे मैं अल्लाह के फजल से आपको रखवा दूंगा। 26, 27, 29 बैंक हैं पाकिस्तान में, किसी ना किसी बैंक में हमारी HR के हवाले से और मुख्तलिफ हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम आप उसको रखवा देंगे। 6 महीने इसको मेरी मेरी सुपरविजन में काम करने दें। अच्छा जी ये काम क्या करेगा? मैंने कहा जी ये सब्जी बेचेगा। अच्छा जी वही तो हमने करना नहीं है। मैंने कहा जी आपकी तरह नहीं बेचेगा, ये डिजिटली सब्जी बेचेगा। उनको खैर पूरा प्लान समझाया, उनको कहा जी ये कमरा जो है साथ वाला, 3 कमरे का फ्लैट था जो उनका ऑफिस था, उसमें एक कमरा खाली पड़ा हुआ था। मैंने कहा जी ये कमरा इसको दे दें, जो आपको किसी अच्छे बैंक में फर्नीचर नज़र आता है वो इसको खरीद के दे दें, इंटरवुड का फर्नीचर मैंने कहा सबसे अच्छा है, अगर आप चाहते हैं तो वो इसको लेके दे दें, सेंट माइकल का या जिसका भी सूट इसको पसंद है, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 क्लार्क के जूते आप इसको खरीद के दे दें, रेबैन के सनग्लासेस इसको लेके दे दें, जो आप गाड़ी इसको लेके देना चाहते हैं वो लेके दे दें, जो आप ठाट कराना चाहते हैं इसको कराएं, बिजनेस ये मेरी मर्जी का करेगा, और 6 महीने के बाद मैं सरेंडर कर दूंगा, आपके हवाले कर दूंगा। 6 महीने में उस बच्चे ने माशाल्लाह marzi.pk, आप लिख लीजिए मर्जी marzi marzi.com, ये marzi.pk उसने एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस सब्जी मंडी से होलसेल में मैरियट, सरीना, मार्कीज जो शादी घर होते हैं, शादी हॉल होते हैं, और बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं, ये इंटरनेशनल फ्रेंचाइज हैं, KFC और ये यू नेम इट, सबवे वगैरह, उनकी 250 रेस्टोरेंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए, उसमें से 218 के साथ उस बच्चे ने विद इन 3 मंथ्स बिजनेस शुरू कर दिया। 6 महीने के बाद जब मैं उनके पास गया, उनके वालिद को मैंने कहा जी बताएं किस बैंक में इसको रखवाना है। ज़ाहिर है बैंक वालिद साहब बिजनेसमैन थे, उन्होंने इसकी 6 महीने की वर्किंग देखी, उसका स्टाइल देखा काम करने का। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त उस बच्चे के 18 सुजुकियाँ जो हैं वो 18 ड्राइवर और 18 लोडर वो उसके साथ काम कर रहे थे डिलीवरीज का, और अल्हम्दुलिल्लाह जो उसका पोर्टफोलियो था वो 5 मिलियन पर मंथ का हो चुका था, यानी 5 मिलियन का सामान वो डिलीवर करते थे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में। उसके बाद रमज़ान आ गया तो वो बच्चा मेरे पास आया, कहता सर रमज़ान में तो हम सोच रहे हैं कि बंद कर दें, चूँकि 1, 3, 4 डिलीवरी से ज़्यादा एक राइडर जो है वो नहीं डिलीवर कर सकेगा, और सारे मुसलमान हैं, रोज़ा रखते हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इसका बंदोबस्त किया हुआ है, अगेन इनोवेशन, मैंने कहा हम बाइकिया और करीम से रिक्वेस्ट करेंगे, उनके वो मोटरसाइकिल की सर्विस जो है, मैंने कहा उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 25 नॉन मुस्लिम राइडर जो हैं वो हमें दे दें, ताकि उनको रोज़ा ना रखना पड़े होता, और उनको खाना पीना भी चल रहा होता है, तो उनके लिए कोई इशू नहीं होगा, तो हमारी डिलीवरी चलती रहेंगी। ये इनोवेटिव आइडिया मैंने उसको दिया, काम शुरू हो गया। रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, रमज़ान में 1 करोड़ रुपये की सेल हुई, और 1 करोड़ रुपए की सेल का मतलब होता है 35% मार्जिन, 35% मार्जिन। अच्छा दो रीजन थे इसके, एक तो रमजान में लोग लथार्जिक हो जाते हैं रोजे की वजह से, खुद गर्मी में निकलना पसंद नहीं करते, दूसरे नंबर पे रमजान में प्राइसेस भी एस्केलेट हो जाती हैं, मतलब हमारी वजह से नहीं होती, जो आड़ती है पीछे या उसके पीछे जो ठेकेदार होते हैं या ट्रांसपोर्टेशन और हर चीज के किराए बढ़ जाते हैं, हर चीज का, एक चीज 100 रुपए की होती है वो 300 रुपए, तो आप ये समझ लें कि 30-40 लाख रुपए की चीज जो है वो एग्जेजरेट होके डबल प्राइस पे बिल हो जाती है, उस वजह से भी 1 करोड़ रुपए की सेल बढ़ गई या जो भी हुआ।
कौन सा स्टूडेंट है आपका जो 1 महीने में 5 मिलियन की सेल करे, और चलें 20% आप लगा लें, 1 मिलियन का उसको प्रॉफिट होता हो, और ये रमजान का महीना जो गुजरा है इसमें 35 लाख रुपए की सेल यानी प्रॉफिट। ये आपको मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो हो रही हैं, मैं आपको कोई हवाई सैर नहीं करा रहा, या मैं आपको कोई अली बाबा की बात नहीं कर रहा, मैं अमेजोन की बात नहीं कर रहा जिसके शेयर्स इस वक्त 300% बढ़ गए हैं। मैं पाकिस्तान की एक छोटी सी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो मेरी सुपरविजन में मेरे स्टूडेंट्स ने डेवलप की है। एक नहीं, 650 कंपनीज हैं इस तरह की, जिसमें सॉफ्टवेयर हाउसेज भी हैं, जिसमें कॉल सेंटर्स भी हैं, जिसमें छोटी छोटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनीज भी हैं, और उन छोटी छोटी कंपनीज ने करीम का सॉफ्टवेयर भी लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 साल से। उन छोटी छोटी कंपनीज में पूरे हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर भी, एक ERP सॉल्यूशन एक कंपनी ने लिखा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM के सॉफ्टवेयर लिखे हैं। मैं चूंकि ज़ाती तौर पर टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना मुफ्त में होता है। उनको कोई रॉकेट साइंस या कोई ब्रिक्स एंड मॉर्टर्स फैक्ट्रीज और वो नहीं चाहिए होती, कमरे नहीं चाहिए होते, वो एक मेज़ और एक कुर्सी पे अपने घर की डाइनिंग टेबल पे बैठ के वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो दिस इज द बेसिक फिलोसफी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक जुमले में कोई भी काम इनोवेशन के साथ। ठीक है, एक मैंने ये एग्जांपल दे दी थी, अलीबाबा इज द बेस्ट नेक्स्ट एग्जांपल, देन आपकी जो है ये दराज पी के इज अनदर एग्जांपल। इस वक्त ये मेरी यहाँ जितने गैजेट्स हैं आप देख रहे हैं, ये रिंग लाइट है, ये कैमरा है, माइक है, ये सारे मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं COVID-19 के। तो COVID-19 में आपने किसी सिचुएशनल चैलेंज को, या एक आप कह लें कि एक आफत आई थी, उसके अंदर भी जो इनोवेटर होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो अपने एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ देखता है। वो हथियार नहीं डालता, वो कोई ना कोई उसके वेज एंड मीन्स निकालता है कि अच्छा इस केस में अब क्या होगा। ठीक है ना, तो मैंने ये जो ट्रेनिंग सेशन शुरू की है, ये भी उसका एक अलग सिलसिला है। मैं अपनी कंपनी का काम भी कर रहा हूँ, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मेरी कंपनी के काम होते हैं, वो मैं करता हूँ। उसके बाद ये सेशंस आपके चल रहे होते हैं, उसके बाद प्रोफेशनल सेशंस हैं हमारे, वो चल रहे होते हैं। कल मैंने ख़त्म किया है फ्रांस के साथ, जो एक हमारा चल रहा था मोराको और फ्रांस का। इंटरनेशनल लेवल पे आप काम करते हैं, सो स्काई इज द लिमिट। इसमें जो हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, आपने जो पढ़ाना है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उसकी जो बेसिक फिलॉसफी है, आमतौर पे हम कंटेंट लेते हैं, चैप्टर्स शुरू करते हैं, 11 12 15 चैप्टर होते हैं, 4 18 हफ्ते में हम बम्बार्डमेंट कर देते हैं, और हमसे मुराद मेरे कॉलीग फैकल्टी मेंबर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली 90-95% उनमें से ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी, उनकी फैमिली ने, उनके बाप दादा ने कभी बिजनेस नहीं किया होता। ठीक है ना, मैं अगेन चैलेंज नहीं कर रहा, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बिजनेस किया हुआ हो तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से, कन्वर्शन तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं, या आप फिर उसको ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक सीखते हैं। मतलब बातें करते रहना और जाके बाजार में खड़े होना, दुकान पे खड़े होना, इतवार बाजार में जाके स्टॉल पे खड़े होना पूरा दिन। तो जिस बंदे ने 1980 में दो एंटरप्रेन्योरल वेंचर किए हुए हों, 1980 में FSC की थी मैंने, और उसके बाद मेरे नए एडमिशन्स में 6 महीने का गैप था, उसमें मैंने दो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज की थी, जो कि उस जमाने में तो एंटरप्रेन्योरशिप लफ्ज भी ईजाद नहीं हुआ था अभी। कहने का मकसद ये है कि उसमें फिर जितने प्रोज एंड कॉन्स आए, जितने उसमें प्रॉब्लम्स आई, चैलेंजेस आए, उनको एड्रेस किया, तो वो मार खा के एक बंदा पढ़ा रहा है, फिर 37 साल से मैं बिजनेस में हूँ, या वो जॉब की शक्ल में है, या वो अपने स्टार्टअप्स की शक्ल में, अपने वेंचर्स की शक्ल में है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 3 वेंचर हैं मेरे, जिनमें मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, और एक में CEO हूँ, एक में मैं चेयरपर्सन हूँ। इसके अलावा जो वॉलंटरी एफर्ट्स हैं 7-8, वो अलग से हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। मैं ये तो उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी जो फिलोसफी है वो आपसे शेयर कर रहा था। उसके बाद आ जाएं इसकी नॉमनक्लेचर पे और इसकी जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर। सबसे पहले जो इनोवेशन में हम चीज़ देखते हैं, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपकी डिज़ाइन थिंकिंग है, कि आप बड़े प्रोग्राम के साथ आप सोचते हैं। ठीक है ना,
डिजाइन के साथ आप सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग। वो हम पहले क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते थे, फिर हम बहुत सारी थिंकिंग की, थॉट प्रोसेस की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, उसको भी आप देख लें अगर, तो एक अलग सिनेरियो बनता है। लेकिन डिजाइन थिंकिंग के साथ लीन मैनेजमेंट, ये दो चीजें हैं जो कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप में देखनी है। लीन मैनेजमेंट में ये होता है कि आपके जितने प्रोसेसेस हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, आपस में जुड़े हुए हों, उनकी इंटरकनेक्टिविटी हो और वो सपोर्ट करते हों एक दूसरे को। आपने कोई चीज बना ली है, उसको बेचेगा कौन? आपने कोई चीज बेचनी है, उसको डिलीवर कौन करेगा? आपने डिलीवर कर दी है, उसकी पेमेंट कैसे आएगी? आपकी पेमेंट आ गई है, उसका हिसाब किताब कैसे रखना है? एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ये सारी चीजें जो है आज हम डिस्कस करते हैं अ बर्ड्स आई व्यू, तायराना नजर में। और डिटेल आपको इसमें, अगर किसी ने खुद एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी फैकल्टी मेंबर ने बनना है या किसी स्टूडेंट ने बनना है, उसकी कोचिंग की जा सकती है, उनको एस्टैब्लिश किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने HEC के थ्रू बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर BIC के नाम से बनाए हैं, उसके अंदर अच्छी खासी कोई 11 मिलियन की ग्रांट है, करोड़ रुपए से ऊपर की, 11.1 मिलियन। उस ग्रांट में एस्टैब्लिशमेंट है उसकी, मतलब कमरे नहीं बनाने लेकिन सेटअप है पूरा, मशीनरी, इक्विपमेंट, इस तरह की चीज़ें, ट्रेनिंग्स और लिंकेजेस हैं, उसको एस्टैब्लिश करना है। सो आप जब देखते हैं इंसेंटिव क्या दे रहे हैं, डेवलपमेंट कैसे हो रही है, आपके पास पावर क्या है, अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने अभी नीड असेसमेंट का जिक्र किया था, COVID-19 में क्या अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, इनोवेटर जो है या एंटरप्रेन्योर जो है, स्टार्टअप जो है, वो एक डिफरेंट एंगल से सोचता है, वो दुनिया के साथ, खबरनामे के साथ नहीं सोचता, ठीक है ना। आज सुबह जब ये मुझे दो खबरें मिली, तानिया एंड्रस जो है, एड्रेस उसका, उसने इस्तीफा दे दिया और जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया, तो एब्रप्टली ये चीजें समझ नहीं आती हैं, आप हजम नहीं होती कि अच्छा भी क्यों दे दिया। तो बाद में पता चला कि जी तानिया जो है, उसने जिस दिन ओथ ली है उससे एक दिन पहले एक कंपनी यहाँ SECP में जहांगीर तरीन साहब के साथ, उनके वकील के डायरेक्टर के साथ रजिस्टर करवा ली, डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन, ठीक है ना। जब आपका पहले दिन इंसेंटिव ये होगा कि आपने गवर्नमेंट में आना है और आपने ये बेनिफिट लेने हैं, तो फिर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब का जो सारा मामला सामने आया, उसके बाद दीज आर डिफिकल्ट थिंग्स कि आप उसको हैंडल करें। सो अगेन ये COVID-19 पूरे का पूरा जो है, इसमें लोगों ने नेगेटिव तरीके से भी हाथ धोए हैं। जफर मिर्जा साहब जो हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के जी उन्होंने मास्क जो हैं ये एक्सपोर्ट किए हैं, जो कि स्मगल किए हैं बेसिकली। वला आलम, अगेन मैं नहीं जानता कि उन्होंने किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात होती है तो इल्ज़ाम लगता है, और सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाता है तो कुछ ना कुछ तो होता है। तो दोनों, आज दोनों को रिज़ाइन करना पड़ा, और जिस तरीके से रिज़ाइन हुआ और एक्सेप्ट हो गया फ़ौरन, दैट मीन्स कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। ये नेगेटिव पार्ट है अपॉर्चुनिटीज़ का, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ का पॉजिटिव पार्ट ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ में हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, हमने ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी है, हमने, हमारी कंपनी ने लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट, जो कि हम 10 साल में फोर्सी कर रहे थे कि पाकिस्तान की 200-250 यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसके साथ मेडिकल कॉलेजेस हैं, 450-450 के करीब यूनिवर्सिटी सेक्टर बनता है ये, इस सेगमेंट में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 साल में जो काम होगा, अब हम वो 3 महीने में 10 यूनिवर्सिटियाँ हम साइन कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम ये लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन और ERP सॉल्यूशन और ये डेली बेसिस पे मेरा जो काम होता है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, वो यही होता है। अभी भी मैं एक जस्ट शुरू करने से पहले एक मैंने मैसेज का जवाब दिया है कि उसका एग्रीमेंट साइन हो रहा है। रात हमने 2 यूनिवर्सिटीज के साथ इसके एग्रीमेंट साइन कर लिए। तो ये अपॉर्चुनिटीज एक एंटरप्रेन्योर देखता है, एक स्टार्टअप देखता है, एक इनोवेटर जो है वो देखता है कि अब हमने इसको हैंडल कैसे करना है किसी भी सिचुएशन को। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर डिटर्मिनेशन है, आप सोचते हैं यस आई हैव टू डू इट, देन यू हैव टू डू इट। उसमें कोई आए बाएं शाएं या इफ एंड बट्स नहीं होते, आपने जब काम शुरू करना है तो फिर करना है। सपोर्ट, ये जाहिर ये एक स्लाइड है, जिस तरह मैं अक्सर बात करता हूँ कि एक स्लाइड पर पूरा लेक्चर होता है, तो ये एक स्लाइड है जिसमें सपोर्ट का लफ्ज लिखा हुआ है। अब ये बहुत सारे लोग इसमें बने हुए हैं, अगर आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट नहीं है आप नहीं कर सकते, अगर आपकी टीम ठीक नहीं है जो आपने इनोवेशन के लिए बनाई है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप के लिए बनाई है, तो आप नहीं खेल सकते। टीम की मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं कि एक विकेटकीपर होना चाहिए, 3-4 टीम बॉलर होने चाहिए, 2-3 बैट्समैन
अच्छे स्टैंडर्ड के होने चाहिए, दो तीन ऑलराउंडर होने चाहिए और एक दो अच्छे फील्डर जो हैं जो कि स्लिप में और पॉइंट पे खड़े करने के लिए आपके पास हों। उसी कॉन्टेक्स्ट में इस बिजनेस में भी एक अच्छा फाइनेंस का बंदा होना चाहिए, अच्छा मार्केटियर होना चाहिए, एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग का बंदा होना चाहिए और आपका प्रोडक्शन का एक बंदा होना चाहिए जो उस प्रोडक्ट को क्रिटिकली एनालाइज करे, और ओवरऑल एक बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, इसका सीईओ होना चाहिए जो पूरी कंपनी को एज हेड ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन देखे। जरूरी नहीं है कि ये सारी पोजीशन जो हैं आप पहले दिन से ही नॉमिनेट कर दें, जिस तरह अक्सर वो हम बिजनेस प्लान कंपटीशन में बच्चों को देखते हैं तो जी आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी, ही इज द एंड शी इज द फलानी, शी इज द फलाना, तो उसमें वो एक दिखावे के लिए बच्चे कर लेते हैं, बाद अपने विजिटिंग कार्ड भी छपवा के साथ ले आते हैं, बाज कंपनीज के ब्रोशर भी बने हुए होते हैं, एंड सो ऑन सो फॉर, अच्छी बात है। लेकिन सपोर्ट में आपके पेरेंट्स की, आपके फैमिली की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है, आपके टीचर्स की, आपके यूनिवर्सिटी की, आपके इंस्टीट्यूशन की, आपके डिपार्टमेंट की, ये सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। और इसके अलावा गवर्नमेंट की, आपके जो इदारे हैं उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, FBR है, ये सारे प्रोसेस जो हैं आपको कंपनी अगर आपने रजिस्टर करानी है तो कैसे करानी है, तो ये अगर बच्चा कंपनी रजिस्टर कराने के चक्कर में लग गया तो 6 महीने तो उसमें लग जाएंगे उसके, तो हम फिर उसको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम 5,000 रुपये दो, हमने 2 या 3 कंसल्टेंट यहाँ रखे हुए हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की बच्चों की कंपनियाँ रजिस्टर कराते हैं सिर्फ 5,000 रुपये लेके, ठीक है ना, उसमें वो जाके अगर SACP में करनी है तो उसकी 10,000 रुपये फीस है, बाकी काम जो है वो अदर ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ हैं तो वो 5,000 रुपये में फीसें वीसें सारी दे के उसकी डॉक्यूमेंटेशन ये वो करके 5,000 रुपये में कंपनी रजिस्टर हो जाती है, जिसमें बैंक अकाउंट भी खुलवा देते हैं वो और इनकम टैक्स और GST में भी रजिस्टर करवा देते हैं। तो ये सपोर्ट आपको बड़ी ज़रूरी चाहिए होती है इसमें। उसके बाद आपको मार्केटिंग, मार्केट इंटेलिजेंस की सपोर्ट चाहिए होती है, आपको मार्केट की जो डिटेल्स हैं आपको सपोर्ट है, अगर रॉ मटेरियल आपको लेना है, अगर कोई प्रोडक्शन में आप जाते हैं या आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं या आप सर्विस बेच सकते हैं, प्रोडक्ट में आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, आपकी प्रोडक्शन बनेगी कैसे, फिर हम उसमें बे इंतहा चीज़ें शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे टू बी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपना एक ऑफिस खोलें, आप किसी के ऑफिस के साथ शेयर कर सकते हैं, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपना प्रोडक्शन हाउस खोलें, आप किसी के साथ को शेयरिंग में काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप खुद सारा कुछ बनाएं किसी की बनाई हुई चीज़ के ऊपर। आप जैसे अलीबाबा इज नॉट मेकिंग अ सिंगल नीडल, उनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है और वो पूरी दुनिया के लिए चीज़ें डेवलप करते हैं, बनाते हैं और बेचते हैं, सॉरी नॉट डेवलप करते हैं, सोर्स करते हैं और डिलीवर करते हैं और बेचते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आप इस तरह के मॉडल जो हैं उनको शेयर कर सकते हैं। और ये जो सब्जी वाला बिजनेस है ये 10,000 रुपये में शुरू हो सकता है, आपके रहीम यार खान में या आपके लाहौर में, आपके पेशावर में, आपके किसी भी फैसलाबाद में आपने अगर ये बिजनेस शुरू करना हो तो मुझे एक स्टूडेंट दे दीजिए जो वाकई शुरू करना चाहता हो, सिर्फ 10,000 रुपये में वो भी शाम को उसके पास वापस आ जाएंगे, कहीं खर्च नहीं होंगे, ठीक है ना। वो और हमने जो अभी मॉडल शुरू किया है इसी स्टूडेंट के साथ, वो हमने इसका नेक्स्ट वर्जन शुरू किया है फ्रेंचाइज बिजनेस, सारा कुछ बना बनाया आपको मिलेगा, आपने सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। तो रहीम यार खान में पॉश एरियाज में अगर आपने एक वेंचर शुरू करना है, मुझे एक स्टूडेंट दे दीजिए, मैं आपके ईद के बाद इंशाल्लाह चक्कर भी लगेगा तो मैं आके आपके स्टूडेंट्स को वहाँ, अगर आप एक चंक दे दें मुझे स्टूडेंट्स का तो मैं उनको बेशक ऑनलाइन कर लें या फिजिकल कर लें, 10-15-20 स्टूडेंट ले आए, हम SOPs को फॉलो करते हुए उनको, जिस तरह आज 1,000 लोग हज कर रहे हैं स्पेशल अरेंजमेंट में, हम उनको इस प्रोसेस में से गुजार के उनको एक स्टार्टअप शुरू करवा देंगे। मैं बात करता हूँ बिल्कुल वो जो होने वाली है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा एरिया है सपोर्ट का, इसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं, एरिया बहुत सारे चैम्पियंस हैं, कंपनीज हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं अगर, और सपोर्ट लेनी कैसे है आपको, सपोर्ट में आपके लिए जो मेंटोर है आपका, जो जो एक्सपर्ट है उस एरिया का, उस फील्ड का, उस इंडस्ट्री का, उसकी भी आइडेंटिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है। फिर अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो वो भी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप कोई इस तरह का काम कर रहे हैं जो सिंध, पंजाब, KP, बलोचिस्तान में शुरू करना है तो चारों सूबों में जो लोकल रूल्स होते हैं वो फ़र्क होते हैं, बाज डिस्ट्रिक्ट में कुछ रूल्स फ़र्क होते हैं, आपने उसको कैसे हैंडल करना है, अगेन इट्स लॉन्ग टॉपिक, मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जा सकता। आपके गोल्स क्या हैं, आपने कोई सिर्फ पैसे कमाने हैं, आपने कुछ लोगों को जॉब पे रखना है, आपने 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल में लेके आना है, आपने 50 लाख घर बनाने हैं, आपने 1 करोड़ लोगों को नौकरी देनी है, ये कोई भी गोल हो सकता है आपका, आई मीन इट।
आज सुबह मैं REBC जो है रियल स्टेट बिजनेस क्लब के साथ मीटिंग में था, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप अभी भी 1 मिलियन घर जो है वो अब 3 साल हैं आपके पास, गवर्नमेंट को आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप अभी भी 1 मिलियन घर बनाएं, अपना कंट्रीब्यूशन दें आप उसके अंदर। तो गोल आपका क्या है, जो भी आपका गोल होगा आप उसको अचीव करने में काम कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जी मैंने इस साल अगले 6 महीने में मैंने यूनिवर्सिटीज में इतने लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप करवा देना है कि मेरा 1,000 का टारगेट पूरा हो जाए, जो कि 650 पे है इस वक्त, ठीक है ना। तो 350 मुझे और टीमें जो हैं वो बनानी है, मेरा ये टारगेट हो सकता है। तो ये कोई भी एक है। फिर आप किस चैलेंज को एड्रेस कर रहे हैं, जैसे अभी हम ये देख रहे हैं चैलेंज आपने हाथी को उठाया हुआ है, तो यस आपने जब करीम और ऊबर बनाई थी तो आपने इसी चैलेंज को एड्रेस किया था। आपने जब ऑनलाइन हेल्थ केयर बनाई थी, आपने जब मर्जी डॉट पी के बनाई थी, सब्जी डॉट कॉम डॉट पी के बनाई थी, आपने जब द्राज पी के बनाई थी, तो ये सारे चैलेंज एड्रेस हो रहे थे उसमें। इस तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारी कंपनीज इस वक्त बैंकिंग के साथ या टेलीकॉम कंपनीज के साथ स्टैब्लिश हो गई हैं, वो भी इन सारी चीज़ों का एक स्टार्टअप का एक अगला वर्जन है। सो नेवर स्टार्ट अ बिजनेस जस्ट टू मेक मनी, स्टार्ट अ बिजनेस टू मेक अ डिफरेंस। ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अगर नियत आप करेंगे तो आपका बड़ा जबरदस्त चैलेंज होगा। ये 20 पॉइंट्स हैं, ये इटसेल्फ पूरे एक दिन की मेरी वर्कशॉप है, ये वाली स्लाइड जो है। इसमें हम देखते हैं कि टॉप 20 वो कौन से चैलेंज हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर कोई बिजनेस फेल हो सकता है। 42% जो बिजनेस पाकिस्तान में या दुनिया में फेल होते हैं, और ये डेटा हमारा 101 स्टार्टअप के पोस्टमार्टम के बाद बना। नो मार्केट नीड, कुछ चीज आप ऐसी बना रहे हैं जिसकी मार्केट में जरूरत नहीं है, 42%। रैन आउट ऑफ कैश, आपने काम शुरू किया कैश खत्म हो गया, 29% कंपनियां इसलिए बंद होती हैं। 23% कंपनियां नॉट द राइट टीम, आपने सारे बॉलर रख लिए हैं, आपने सारे विकेट कीपर रख लिए हैं, सारे फील्डर रख लिए हैं। गेट आउट कम्पीटेड, आउट कम्पीटेड मीन 19% लोग जो हैं वो किसी बड़े नेस्ले के साथ या उसके साथ आपने दूध बनाने का पंगा ले लिया, उन्होंने आपको वैसे उठा के बाहर फेंक दिया। तो आपको ये भी ख्याल करना पड़ेगा कि आप कितने बड़े पिलर के साथ पंगा ले रहे हैं। प्राइसिंग या कॉस्ट इश्यूज हैं, आपने चीज़ बहुत सस्ती बना दी है या आपने चीज़ बहुत महंगी बना दी है, दोनों सूरतों में आप फेल हो जाएंगे। आपने बहुत सस्ती चीज़ बनाई है तो भी आप मार्केट में नहीं रहेंगे, ठीक है जी। देन पुअर प्रोडक्ट है, 17% आपकी प्रोडक्ट ही अच्छी नहीं है। आपने कोई पानी की बोतल बनाई है, उसकी बोतल की शक्ल भी अच्छी नहीं है, बोतल की डिज़ाइन भी अच्छा नहीं है, लेबल भी अच्छा नहीं है, इसके अंदर पानी भी ठीक नहीं है, आपकी सप्लाई लाइन भी ठीक नहीं है, तो आप के चांसेस हैं कि आप 17%। नीड लैक बिजनेस मॉडल, अच्छा बाज बिजनेस मॉडल ऐसे होते हैं, जैसे ये पानी का बिजनेस है, मेरे एक स्टूडेंट ने ये भी किया हुआ है। इसमें आपका फ्रेंचाइज मॉडल चलता है, आप डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू काम करते हैं, खुद नहीं करते ये काम। आपका अगर प्लांट लगा हुआ है तो आप सिर्फ मैन्युफैक्चर करेंगे, यानी बॉटलिंग करेंगे, फिलिंग करेंगे, आप खुद डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसी तरह ये नेस्ले वगैरह जो है कभी भी खुद डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इनके डिस्ट्रीब्यूटर है आगे जो इनके बिहाफ पे जाके इनकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, इनकी इनवाइसिंग के साथ, इनके गैजेट्स के साथ चीज़ें, साबुन, सर्फ, शैम्पू, शेविंग क्रीम और ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें वो खुद डिलीवर करते हैं। सो आपका बिजनेस मॉडल है वो अगर 17% उस पर डिपेंड करता है। वो मार्केटिंग है, आपने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, मार्केटिंग अच्छी नहीं की आप फेल हो जाएंगे। जैसे यहाँ Plate 101 एक कंपनी है, 250-300 उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो चल नहीं रही क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, जिनको जिन्होंने परचेज करना है उनको पता ही नहीं है कि भाई ये कंपनी इस्लामाबाद में एग्जिस्ट करती है। घर का पका पकाया खाना आपको हॉस्टल में या ऑफिस में मिल सकता है, ये इस कंपनी का काम है। अगेन इनको बड़ा कन्विंस किया कि आप मार्केटिंग करें। इग्नोर कस्टमर्स, आप कस्टमर की सुनते ही नहीं है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं देखते, कस्टमर को एड्रेस नहीं करते, उसके जो टेस्ट हैं उसको नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल आप कराची के खाने इस्लामाबाद में, लाहौर के खाने इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के खाने फैसलाबाद में नहीं बेच सकते। पेशावर में आपको पता है लाल मिर्च नहीं खाते लोग, पेशावर में सिर्फ काली मिर्च और नमक के साथ खाने होते हैं ज़्यादा, ठीक है ना, नमकीन गोश्त जैसे कहते हैं। तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि आप कस्टमर की चॉइस को कैसे इग्नोर करते हैं। वहाँ पे ये काली चाय जो है, जो हम दूध वाली चाय पीते हैं, ये कम पीते हैं लोग, सुलेमानी और ग्रीन टी ज़्यादा पीते हैं, कावा जिसे कहते हैं। आपको अंदाजा लगाना है कि आप क्या बेचने जा रहे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। 14% प्रोडक्ट मिस टाइम, आपने को रमजान के शुरू में कोई प्रोडक्ट बेचनी थी, आपने ये बकरे और गाय का बिजनेस शुरू किया हुआ था, लाइव स्टॉक का, आपने बकरा ईद पे आपके जानवर तैयार होने चाहिए थे, लेकिन बकरा ईद के 6 महीने बाद उनकी जो डेट है वो पूरी हो रही है, तो आपका टाइमिंग गलत है, आप अपनी टाइमिंग को मैनेज कीजिए।
आपने रमजान में खजूरें मंगानी थी, पहली रमजान को मार्केट में पूरी में पहुंच जानी चाहिए थी, आपने 15-20 रमजान को पहुंचाई, आप आउट हो गए। आपने कोई खाड़ी या इस तरह का कोई ब्रांड था, उसको आपने फर्स्ट रमजान में ईद के लिए खरीदो फरोख्त का काम करना था, आपने नहीं किया, आप फेल हो जाएंगे। लूज फोकस, आपका काम कुछ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड था, करीम और उबर का, आपने ना ऐप पे काम किया, ना गाड़ियों पे काम किया, ना अपने कैप्टन्स की ट्रेनिंग पे काम किया, फोकस भी लूज हो गया, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को भी नहीं देखा, कस्टमर की कंप्लेंट्स को भी नहीं देखा, आप मर जाएंगे। डिसहार्मनी ऑन टीम या इन्वेस्टर्स, आपकी टीम की आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपका जो इन्वेस्टर है जिसने आपको पैसे दिए हुए हैं उसकी आप बात ही नहीं सुन रहे, या आप उसको कन्विंस ही नहीं कर पा रहे कि जनाब हम ये काम कर रहे हैं, 2 महीने के बाद इसका रिजल्ट निकलेगा, वगैरह वगैरह। जो भी आपका इन्वेस्टर है, अगर डिसहार्मनी आपके उसके अंदर आ जाएगी तो भी आप इसको सक्सेसफुली हैंडल नहीं कर सकेंगे। पिवट गोन बैड, आपका जो सेंट्रल फोकस पॉइंट था कि आपने किस पर्पस के लिए आपने वो काम करना था, आपने मास स्केल पे लोगों को खाना प्रोवाइड करना था लो प्राइस्ड, या आपने बहुत हैवी ड्यूटी महंगा खाना उनको देना था, आपने बहुत ही फाइन डाइनिंग के साथ विक्टोरियन स्टाइल में आपने खाना सर्व करना था, हर डिश आपकी जो है आपके आपके ऑर्डर पे बननी थी, ठीक है ना? तो ये आपका जो पिवट था, जो आपका सेंट्रल आइडिया था, वो अगर डिसअलाइन हो जाता है तो भी आप फेल हो जाएंगे। उसकी परसेंटेज लिखी हुई है 10%। लैक पैशन, आपने काम शुरू किया जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन 2 महीने सब्जी बेचने के बाद आपने कहा यार ये क्या मुसीबत है, रोज ही सब्जी और फ्रूट जाके लोगों के घरों में दे रहे हैं और लोग उसके ऊपर बातें सुना रहे हैं और गली सड़ी सब्जियां वापस कर रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया। सो ये भी हो सकता है। बैड लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, वो किसी पॉश एरिया में शुरू होना था या किसी लोगों की झोंपड़पट्टी में शुरू होना था या झोंपड़ियों वाला जो झुग्गियों वाला एरिया होता है, तो आपने उसको अगर जगह की सिलेक्शन गलत कर ली है, एक जगह आपने बड़ी रश वाली ले ली है, मोती बाजार है जैसे फैसलाबाद में, लाहौर में आपने कुछ शालम मार्केट में ले ली है, उसमें वो नहीं चल सकता, इसलिए कि वो पॉश एरिया में पार्किंग चाहिए होती है, लोग अपनी गाड़ियों में आते हैं, लोगों को कन्वीनियंस चाहिए होती है। मैंने ये देखा है कि पार्किंग बाज़ औक़ात आपके बिजनेस को बेड़ा गर्क कर देती है, और अगर आप अच्छी पार्किंग दे देते हैं तो आपकी बैड लोकेशन जो है वो भी अच्छी लोकेशन में कन्वर्ट हो जाती है और आपकी दुकानें प्लाजे और प्रोडक्ट्स जो हैं आपकी वो बिकनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को कन्वीनियंट पार्किंग है। या जैसे बड़े बड़े आजकल ये सेंटोरस की तरह के और डॉलमन सेंटर की तरह के प्लाजे बन गए हैं दुनिया में, पाकिस्तान में या लाहौर कराची इस्लामाबाद फैसलाबाद मुल्तान में, तो उसमें आप देखते हैं कि एयर कंडीशनिंग होती है, बच्चों के लिए प्ले एरिया होता है, टॉयलेट्स की बड़ी अच्छी फैसिलिटी होती है, आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग प्रेफर करते हैं कि यार शॉपिंग करें, सुकून से करें, अगर 5-10% ज्यादा भी पैसे लग जाते हैं तो कोई बात नहीं, कौन सा रोज करना होता है ये, ठीक है ना? तो वो उसको एंजॉय भी करते हैं लोग, उसमें कोई फूड स्ट्रीट भी होती है जिसमें जाके छोटा मोटा लोग स्नैक्स वगैरह भी खा लेते हैं और पूरा डिनर भी कर लेते हैं। सो बैड लोकेशन के बाद नो फाइनेंसिंग या इन्वेस्टर इंटरेस्ट, आपका फाइनेंसर भाग गया जिसने शुरू किया था, वो बंदा जो था वो था प्रॉपर्टी डीलर, वो प्लॉट लेता था बेचता था, लेता था बेचता था, उसको एक चस्का पड़ा हुआ है 1-2 लाख 3 लाख रुपए हर डील में निकालने का, आप जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट 6 महीने के बाद निकलना है, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो इतनी जल्दी इतना लंबा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। या बाज बिजनेस ऐसे हैं जिसपे 5 पैसे और 10 पैसे बचते हैं, करेंसी का बिजनेस है, आपके पेट्रोल का बिजनेस है, तेल का बिजनेस है, इसके सौदे जो होते हैं वो 2 पैसे 1 पैसा 2 पैसे 3 पैसे, इस तरह स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस है, पैसों में चल रहा होता है और बड़ी दूर तक जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इन्वेस्टर का। लीगल चैलेंजेस हैं, जैसे करीम और उबर को पहले पंजाब में, लाहौर में चैलेंज किया गया, फिर सिंध में बैन कर दिया गया, इस तरह के चैलेंजेस अमेरिका में 52 स्टेट्स में डिफरेंट रूल्स हैं वहां भी होते हैं, तो आपको कोई एक लीगल चैलेंज की वजह से 8% बिजनेस आपका बंद हो जाता है। ये बड़ा जबरदस्त पोस्टमार्टम है जो पूरी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की, स्टार्टअप की पूरी जो है ना हिस्ट्री को चैलेंज कर दिया है उसने, और ये पूरा निचोड़ निकाल के दे दिया है एक स्लाइड में, इसके ऊपर रख के अगर आप कोई बिजनेस करते हैं आपका स्टूडेंट या आपका स्टार्टअप जो है मार नहीं खा सकता कभी भी। डोंट यूज नेटवर्क या एडवाइजर्स, आप कोई एडवाइजर नहीं रखते अपना, मेंटोर या कोच नहीं रखते आप, और आप खुद ही काम शुरू कर देते हैं। यहाँ 6 करोड़ रुपए का एक लॉस, मैंने मासूम्स बेकरी बहुत बड़ी थी, अमेरिका से केमिकल इंजीनियर थे जो आके उन्होंने यहाँ 6 करोड़ रुपए जाया कर दिए, और उसके बाद मेरे पास आए कि जी मुझे आपकी मेंटरिंग चाहिए। मैंने कहा जी अब तो आप उसका बेड़ा गर्क कर चुके हैं, बहरहाल मैं स्टार्टअप में तो नहीं, मैं टर्न अराउंड मैनेजमेंट में आपको हेल्प कर सकता हूँ, तो आप उसको स्टार्टअप लें,
तो अब उनको दोबारा से F11 में एक बेसमेंट में किसी के साथ को शेयरिंग में दोबारा से शुरू कराया। बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है उनकी, डेथ बाय चॉकलेट उनका एक केक है जो पाकिस्तान में मशहूर हुआ है लाइक एनीथिंग, ऐसा केक कोई नहीं बनाता। लेकिन उन्होंने ये सारे जो चैलेंज हैं तकरीबन इसमें से हर एक में मार खाई बगैर किसी से डिस्कस किए हुए, खासतौर पर ये जो एडवाइजर्स और नेटवर्क वाला था, बर्नआउट यानी बिल्कुल ही खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए, हिम्मत खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो 8% वो लोग फेलियर टू पिवट, वो आप जैसे कुम्हार होता है ना अपने चक को घुमाता है, आप अपने बिजनेस को घुमा नहीं सके और एंड में स्लगिश होके आप बैठ गए कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता ये काम। 7% ये लोग हैं जो मार खाते हैं। उसकी फिर फाउंडर या इन्वेंटर ऑफ द टेक्नोलॉजी है, फाउंडर मार्केट परसीवर है, ये एक छोटा सा हमारा एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है। अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन है कि अपॉर्चुनिटी क्या आई है, जैसे कोविड आया है तो क्या है, इसको रिकग्नाइज कैसे करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, कोई काम आपने करना है तो आपने सबसे पहले उसको रजिस्टर करवाना है। फंड एंड बिल्ड टीम एंड कंपनी, आपने ये फंडिंग कहाँ से अरेंज करनी है अगर कुछ चाहिए। फंडिंग मेरे नज़दीक सबसे आखिरी चीज़ होती है, स्टार्टअप में आइडिया सबसे पहली चीज़ होती है। और 9 चीज़ें अगर चाहिए हों, जैसे हमने पिछली स्लाइड पे 20 चीज़ें डिस्कस की हैं, तो फंडिंग जो है वो आखिरी चीज़ है, उससे पहले आप बाकी चीज़ें कम अज़ कम मैनेज कर लें। डेवलप टेक्नोलॉजी टूवर्ड प्रोडक्ट, आप देखें तो ऐप है सिर्फ, करीम और उबर जो है वो सिर्फ एक ऐप है, दराज पी के सिर्फ एक ऐप है, OLX में कुछ नहीं होता, OLX को दुकान नहीं है, उनके पास कहीं पे भी कोई चीज बेचने के लिए रखी भी नहीं होती, सिर्फ ऐप के ऊपर चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी बड़ी जरूरी है, सर्वाइव करना है बाय एडिशनल फंडिंग, सेलिंग एसेट्स, IP, लाइसेंसिंग, स्पिनिंग आउट एप्लीकेशंस, आप उसको किसी और काम के लिए बेच देते हैं, आपकी एक एप्लीकेशन 3-4 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, आप कोई अपने कुछ पोर्शन बेच देते हैं कंपनी का, फ्रेंचाइज मॉडल शुरू कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सर्वाइव करने के लिए बाज़ुकात ये भी चीज़ें होती हैं। और मार्केट प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट मार्केट आपने कैसे करना है, ये इसका लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट प्रोटेक्ट IP, डिसाइड ऑन एप्लीकेशन, प्रोटोटाइपिंग, क्लिनिकल टेस्टिंग, रेगुलेटरी अप्रूवल अगर ड्रग वगैरह की चीज़ें हैं, या कुछ आपने देखा वेंटिलेटर अभी बने थे तो रेगुलेटरी अप्रूवल उसकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से उसकी अप्रूवल हुई है, उसके बाद ये चला आगे। मार्केट देखिए आपने, सारे हॉस्पिटल्स हैं, आइडिया डिस्कवरी यहाँ से शुरू हुई, मार्केट रिसर्च आपने की, यहाँ से आपने IP बनाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसकी, वेंटिलेटर्स की 3 कंपनियाँ सेलेक्ट हुई, और डिसाइड ऑन एप्लीकेशन आपने किस एप्लीकेशन पे चलाना था, प्रोटोटाइप बना, डमी पेशेंट्स पे टेस्ट किया जिसमें लंग्स आर्टिफिशियल होते हैं, वो उसको चला के देखते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उसके बहुत इंपॉर्टेंट ICUs के अंदर डॉक्टर्स की जेरे निगरानी आप उसको लाइव अपने पेशेंट्स पे टेस्ट करते हैं विद स्टैंड बाई ओरिजिनल मॉडल एज वेल एज योर मॉडल, ताकि पेशेंट की जान ना जाए और आप उसको चेक कर लें। क्लिनिकल टेस्टिंग होती है फिर, और रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद आप उसको मार्केट में ले जाते हैं। ये एक लाइफ साइकिल है टेक्निकल चीजों के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसका विजन होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, हंग्री फॉर सक्सेस होना चाहिए। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल विद ग्रेट आइडियाज, अभी भी बहुत सारे लोगों के आइडियाज हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेपरलेस एजुकेशन इज एन आइडिया, उसके ऊपर आप चाहें तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए के बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो एजुकेशन है, 3.5 करोड़ बच्चा आपका सिर्फ उस वक्त जाएगा मार्केट में या स्कूलों में जब आप उनके लिए एक पेपरलेस एजुकेशन का सिस्टम डेवलप कर लेंगे, करीम और ऊबर की तरह का। लेट मी टेल यू, आइडिया के बाद फिर ब्लड स्वेट और टीयर्स हैं, बिटवीन इंसेप्शन ऑफ एन आइडिया एंड इम्प्लीमेंटेशन लाइज अ लॉट ऑफ ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, बहुत सारा इसमें होता है, फुल ऑफ चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन्स, लॉट्स ऑफ हर्डल्स। एक स्ट्रेटजी चाहिए आपको, गुड प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए, मोटिवेशन, पैशन, डिटर्मिनेशन, लक होती है बाद का आपको, एक टाइमिंग, प्रोडक्ट, सर्विस ऐसी जगह पर मिल जाती है कि एकदम क्लिक कर जाती है। आपका एक अच्छा अकाउंटेंट होना चाहिए जिसको हम बैंक मैनेजर कह रहे हैं, आपका एटीट्यूड होना चाहिए टूवर्ड्स दी सक्सेस, सिंगल माइंडेडनेस, बिल्कुल फोकस्ड आपका काम होना चाहिए, और 2, 4, 6, 8, 10 काम एक साथ में शुरू करेंगे मर जाएंगे आप। एंड एथिक ऑफ हार्डवर्क, हार्डवर्क 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 बड़ा जरूरी है, जब तक आप ये नहीं करेंगे, ऑल दो कि आजकल स्मार्ट वर्क का भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो भी बड़ा जरूरी है, लेकिन हार्डवर्क का मतलब होता है कि आपने 100 जगह पर जाना है तो आपने जाना है, 99 जगह पर जाके आप वो काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। एंड अंडरस्टैंडिंग पार्टनर एंड फैमिली, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि आपके पार्टनर्स बड़े ज़रूरी हैं, आपके जो सपोर्टर हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। फोरसाइट आपकी
विजन आपका, मैनेजमेंट एबिलिटी, कामनेस अंडर प्रेशर बहुत जरूरी है, जब प्रेशर आए तो आप कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें एज ए टीचर आपने अपने स्टूडेंट्स को इंडल्ज करनी है, और ये 18 हफ्ते का पूरा कोर्स है। ये उस वक्त आप कर सकते हैं जब आपकी खुद ट्रेनिंग हुई हुई हो, आपने खुद स्टार्टअप वेंचर किए हुए हैं और आपने इसको सपोर्ट किया हो, सम स्टार्टअप कैपिटल, थोड़ा बहुत आपको पैसा भी चाहिए, फिजिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस आइडिया, मार्केट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, बिजनेस रिस्क क्राइटेरिया है, कंपेटिटिव क्राइटेरिया है, सोशल क्राइटेरिया है, हर चीज के कुछ ना कुछ सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं, सोशल इम्पैक्ट होता है। जैसे मैं सिर्फ एक चीज की बात कर लूँ आपसे कि अगर आपके करीम और उबर को ले लें तो इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, 500,000 लोगों को आपने जॉब दी है कैप्टन की, 500,000 में से हो सकता है 3-3.5 लाख लोग जो हैं उनकी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हो, उनको प्रॉफिट मिल रहा हो घर बैठ के, पैसेंजर जो हैं उसके अंदर करोड़ों लोगों को एक ऑनरेबल राइड मिल रही है, ईज ऑफ एक्सेस मिल रही है, सर्दी में गर्मी में धूप में बारिश में गाड़ी आपके दरवाजे तक आ जाती है आपके एक क्लिक के ऊपर, ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है। उसके बाद आपने कुछ 400-500 लोगों को इसके बैक एंड पे सर्वर बेस्ड जो एप्लीकेशन है और इसके पीछे जो लोग कस्टमर सपोर्ट में काम कर रहे हैं उनको आपने जॉब दी है, तो ये इसका सोशल इम्पैक्ट है। और लाइवलीहुड देखें आपके, लोग वेले फिर रहे हैं, लोग मतलब एक बुरी बुरी चीज़ें शेयर करते हैं फेसबुक पे कि जाली डिग्रियों वाले जहाज उड़ा रहे हैं, फिर बगैर डिग्रियों वाले जो हैं मुल्क उड़ा रहे हैं, और असल डिग्रियों वाले जो हैं वो करीम चला रहे हैं। तो यस, दिस इज अ फैक्ट, लेकिन कुछ भी नहीं है तो कुछ है, 500,000 लोग एक वाइजर रोजगार कमा रहे हैं, मैंने लोगों को देखा है 30-35-40-50,000 रुपये वो अपने इस बिजनेस से निकाल रहे हैं और सक्सेसफुली इस बिजनेस को वो रन कर रहे हैं। तो आपको भी इस एंगल से अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना है, मोटिवेट करना है, पहले आपने खुद कन्विंस होना है। ये आज की जो स्लाइडें हैं ये सारी एक ट्रेलर समझ लें, 18 हफ्ते का पूरा कोर्स है, इसमें इस 18 हफ्तों में एक एक चीज़ जो है, तीन कैरिडार्स का कोर्स है ये, पूरी इसकी कोर्स आउटलाइन आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, इसकी सपोर्टिंग मटीरियल आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, उस सूरत में कि आपने पढ़ाना हो वाकई। और आपने पढ़ाना इसलिए है कि कोर्स सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ऑनेस्टली पढ़ाने से नहीं आएगा, ये कूदने से आएगा, जब तक आप पानी में कूदेंगे नहीं आपको स्विमिंग नहीं आएगी। तो इसी तरह मैं स्टूडेंट्स को पूछता हूँ पहले दिन कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कर रहे हैं, और कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे साथ 650 कंपनीज के अंदर अपना नाम लिखवाना है कि जी हमने ये बिजनेस करना है। तो जब आप इस एंगल से देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। आपके स्टूडेंट्स हैं मतलब ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी से या अबसीन यूनिवर्सिटी से या लाहौर फैसलाबाद की यूनिवर्सिटियाँ, पूरे पाकिस्तान की 217 यूनिवर्सिटियाँ, 350 कैंपसेज, अगर मेडिकल कॉलेजेस को भी मिला लें तो 550 के ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो 550 यूनिवर्सिटियाँ पूरे साल में अगर पर यूनिवर्सिटी 10 कंपनियाँ भी बनानी शुरू कर दें, विच इज़ पीनट, आई बिलीव, मेरा अकीदा है ये पीनट है, कुछ भी नहीं है, 10 कंपनियां बनानी शुरू कर दें हर साल, एक साल इज अ लॉन्ग टाइम, 365 डेज, आई मीन इट, और जितनी जरूरत है पाकिस्तान में तो एग्रीकल्चर बिजनेस के ऊपर इतनी कंपनियां बन सकती हैं, यू नेम इट, वैल्यू एडिशन के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, यू नेम इट, सॉफ्टवेयर के ऊपर, कॉल सेंटर्स के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर, यू नेम इट। सो अगर 10 कंपनियां बननी शुरू हो जाएं तो आप अंदाजा लगाएं कि 5,000 कंपनियां बन जाएं और हर कंपनी अगर 50 लोगों को भी रोजगार दे दे तो आप कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं टूवर्ड्स दी एम्प्लॉयमेंट और जॉब प्लेसमेंट और बाकी सब चीज़ें। ठीक है जी, ये आज का एक अबर्ड्स आई व्यू एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में था। अगर आप इसके ऊपर और डिटेल में चाहें तो इसका पूरा कोर्स भी हम करवा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि अगर आपका इंटरेस्ट हो और आपने इसको वाकई पढ़ाना हो, इवन आप खुद भी इन 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 में से किसी एक चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं, और जब आप बिजनेस करेंगे तो वो जो 20 पॉइंट्स हैं वो अगर आपने ख्याल रख लिए तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। वो 20 पॉइंट्स हैं वो एक तरह से एक्सरे है, ECG है, CT स्कैन है, MRI है, पैथोलॉजी के टेस्ट हैं आपके बिजनेस के, उनमें से आप गुजर जाते हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका कोई सवाल है तो आप बताइए, हम उसको एड्रेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रक्षा सर, मैंने पूछना था जो कंपनी अगर कोई रजिस्टर कराना चाहते हैं तो सर उसका जो प्रोसेस है, आप कह रहे थे कि कंसल्टेंट वगैरह हैं, सर वो भी तो प्रॉपर उसको
फॉलो करते होंगे ना प्रोसेस जी को। सर जी बिल्कुल ये बिल्कुल कंसल्टेंट है, ये सर इसके बारे में हमें बता दें कंसल्टेंट कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस नहीं है और हमारे कुछ स्टूडेंट हैं वो हमसे पूछ रहे होते हैं अगर कंपनी रजिस्टर कराने के लिए तो सर कोई मसला ही कंसल्टेंट। नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं एक साहब हैं महमूद साहब यहाँ पे, मैं उनको आपसे कनेक्ट कर देता हूँ। ऑनलाइन इस्लामाबाद में होते हैं, वो आपको गाइड भी कर देंगे, आप कहेंगे तो बच्चों को एक लेक्चर भी दे देंगे उसके ऊपर, उसकी टाइप्स भी बता देंगे। मैं भी बता सकता हूँ हमारे जो वो जो 18 दिन के 18 हफ्ते का जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक दिन जो है वो कंपनी रजिस्ट्रेशन का भी है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि आप रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के साथ सिंगल मेंबर कंपनी बना सकते हैं, आप SECP में रजिस्टर करा सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करा सकते हैं, 1 मेंबर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, SMC प्राइवेट लिमिटेड कहलाती है, सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद दो या दो से ज़्यादा पार्टनर भी हो सकते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स में पार्टनरशिप हो सकती है। उसके बाद आप अलग से कर सकते हैं। आपके अगर आप रहीम यार खान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है कोर्ट्स का, वहाँ पे एक ऑफिस होता है जहाँ पे आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करा लेते हैं। इसी तरह ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, आपने कोई लोगो बनाया हुआ है तो उसका ट्रेडमार्क एक अलग जगह है, वहां से रजिस्टर कराते हैं। बाद आपने देखा होगा लोग लोगो जो है वो चोरी कर लेते हैं एक दूसरे का, तो बाद में केस बन रहे होते हैं। इसी तरह जैसे तहजीब बेकरी थी यहाँ पे पहले, वो एक और नाम से थी, फिर उसका वो बन गया, फिर वो ससुर और दामाद थे दोनों में लड़ाई हुई, तो उसके बाद ये दो राहत और तहजीब दो बेकरियां बन गई। तो लोगों के ऊपर फिर वो उनका अपना लोगो है, उनका अपना लोगो है, तो ये भी रजिस्ट्रेशन होती है वगैरह वगैरह। तो महमूद साहब हैं हमारे एक, उनको सपोर्ट, उनको कह सकते हैं आप जिस तरह कहेंगे वहाँ आपको गाइड कर देंगे, आपको करवा देंगे वो। अगर SECP में करना है वो तो यहाँ बैठ के आपकी कंपनी रजिस्टर हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट या सर्विस में रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं। देर इज नो इशू एट ऑल। अगर आप इसको पेंडिंग रखते हैं तो जब मैं आता हूँ वहाँ रहीम यार खान में, तो हम वहाँ आके आपके लिए ये सारा अरेंजमेंट करके और आपको प्रैक्टिकली सिखा देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक वेलकम यू। जी। जी कोई और क्वेश्चन? अगर नो कोई सर, थैंक यू, जजाकल्लाह चलें ठीक है, खैर, शुक्रिया जी, ओके नमाज जी पढ़ें, जी अल्लाह दुआएं करें। हाफिज, थैंक यू वेरी मच, जजाकल्लाह खैर।